नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, अपने हसीन पहाड़ों में जो है गर्मियों का मौसम हो चुका है शुरू, लेकिन हम इन पहाड़ों की एक खास विशेषता होती है कि यहाँ जो है गर्मी के साथ साथ ठंड का भी एहसास होता रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में है, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो है हवा तो चलेगी ही, और सुबह शाम जो है ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास दिलाते हैं हमको हमारे ये प्यारे से पहाड़। वहीं दिन में जो है आजकल बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है, आप समझ सकते हो लगभग टेम्परेचर यहाँ 40 और 35 के बीच में रहता है दिन में, सुबह शाम फिर से ठंड का एहसास होने लग जाता है, और यही विशेषता है हमारे इन हसीन पहाड़ों की। तो मैंने भी सोचा कि इस सुबह सुबह की हसीन और सुहानी हवाओं के साथ आप लोगों के लिए ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए, तो बने रहे ब्लॉग में। आज दिन भर जो भी गतिविधियां हम करेंगे आप लोगों तक शेयर कर ही देंगे, पहाड़ तक मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच ही जाएंगे। और दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता था, फेसबुक पर भी एक हमारा पेज है पहाड़ तक के नाम से, वहाँ भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आप वाकई में मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो ही मेरे चैनल से जुड़िए, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता, और ज़बरदस्ती करके होगा भी क्या, ये आप लोग समझ ही सकते हो। तो फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम का जो रूटीन है वो आ गए हम अपने वर्क स्टेशन पे। देखो यहाँ पे जो है बजरी फोड़ रहे हैं टंकी के लिए, तो फिलहाल तो वही काम कर रहे हैं, और मैं आपको लगभग बता ही चुका हूँ इसके बारे में, दोबारा बताना ज़्यादा कंपलसरी नहीं समझता हूँ। अगर कुछ नया इसमें कुछ हमारा किया जाएगा होगा तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएगा। बाकी देखते हैं आज दिन भर की हलचल में काम के अलावा हम क्या क्या करते हैं, आप लोगों तक पहुँच जाएगा। याद रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल पहाड़ तक, और बने रहे मेरे साथ मेरे पहाड़ तक की इन हसीन जिंदगियों की वादियों के बारे में जानने के लिए। दगड़ियों, दिन भर तो हमारा वही काम रहा आज, टंकी का जो कि चल ही रहा है, और थोड़ी बहुत क्या मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितना हो गया है। ये दीवारें हमने उठा दी है इतनी इतनी देख रहे, और ये अभी ये दीवार उठाना बाकी है, ये इतना, और कल शायद काम बंद रहेगा क्योंकि सीमेंट यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण कल काम रोकना पड़ेगा। अब हम इसमें सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे इसको पूरी तरीके से, इसमें पानी डालेंगे अब, क्योंकि जाते समय हम इसमें पानी रोज डालते ही हैं, जिससे कि हमारा सीमेंट जो है पत्थरों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। और ये देखिए, ये घोड़े जो है खच्चर जो है पहाड़ों में सामान लादने का काम करते हैं, क्योंकि रोड का अभाव यहाँ है अभी भी, और जहाँ रोड नहीं है वहाँ ये खच्चरी काम आते हैं। ये देख रहे हो बैग ला रहे हैं, ये लोगों के बैग सार रहे हैं, देख रहे हैं। और कुछ इसी प्रकार से सामान ढोला जाता है पहाड़ों से दूर दराज से इन घोड़ों की मदद से। रही बात काम के दौरान मसाला की, तो ये दो प्रकार का मसाला बन रहा है, एक तो थोड़ा इसमें पानी की मात्रा कम है, ये आ रहा है चिनाई के काम ये वाला, और ये देख रहे हो ऊपर से डाला है, ये बजरी को पकड़ेगा अच्छी तरीके से, ये है पतला, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखी है, कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं टंकी बनाते समय, और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो है काफ़ी मजबूत बनेगी पानी की टंकी। गांव के आसपास के मौसम के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी सुहावना मौसम हो जाता है शाम के टाइम पहाड़ों का, आप देख ही सकते हो हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, और बिल्कुल सारे दिन की धूप को भुला देता है पहाड़ों की शाम, सारे दिन भर की थकान इन ठंडी ठंडी हवाओं में कहीं गुम सी हो जाती है, और यही विशेषता है हमारे हसीन और खूबसूरत पहाड़ों की।
कुछ इस प्रकार से की जाती है तराई, पानी से जो भी सीमेंट की दीवार लगती है उसको मजबूती से कनेक्ट करने के लिए, मजबूती दिलाने के लिए इस प्रकार से पानी की तराई की जाती है पूरा। इस प्रकार से किया जा रहा है ताकि काफ़ी मजबूती से पकड़ बना सके। तो दोस्तों दिन भर काम करने के बाद आ चुके हैं घर में, फ्रेश व्रेश होके थोड़ा बहुत घूम के, और ये देख रहा हूँ मिर्च होने लग गई है गांव की सगोड़ों में। और ये मिर्च क्यों हो रही है, क्योंकि ये अच्छा बीज था और इसमें पानी भी लगभग हफ्ते में एक बार मिल ही जाता है, तो ये हो गई है। ठीक इसके विपरीत जो मैं उस दिन दो तीन दिन नाइट में मैंने भी मेहनत की और पानी चारा, लेकिन बीज खराब होने के कारण आप देख सकते हो वहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जमा। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारे खरपतवार है, इसमें कुछ भी नहीं जमा है। सोयाबीन का भी ये बीज खराब निकला, और हालांकि जो है पानी भी मैंने इसको बराबर दिया दो तीन बार, लेकिन ये जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। भिंडियाँ थोड़ा बहुत हुई है लेकिन छोटी छोटी है, अभी दिख नहीं रही होगी आपको। तो यही है आसपास के साग सगोड़ों में सब्जियों की थोड़ी बहुत जो हालत है, काफ़ी कंडीशन काफ़ी ख़राब है देख सकते हो। ये सोयाबीन प्राज बीन जो बोई थी मैंने, काफ़ी महंगा बीज मिला था लेकिन हुई नहीं है, चीज़ ख़राब निकला ये पूरा पूरा। कुछ कुछ हो रखी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। बात करूँ पहाड़ों में फल फ्रूटों की, तो ये देख सकते हो आम का जो बौर है वो आमों में कन्वर्ट हो गया है, छोटे छोटे आम आप देख सकते हो काफ़ी मात्रा में लगे हैं। और इस पेड़ को भी अब पानी की काफ़ी ज़रूरत है ताकि ये फल जो है इस पे अटक सके, यानी कि गिरे ना, नहीं तो अगर पानी इसमें नहीं डालेंगे तो ये जो है झड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाते इसका तना। और मौसम तो बिल्कुल सुहावना ही है इस समय, शाम का टाइम है। आज के दिन भर में हमने कुछ खास किया नहीं जो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकता, जो भी था थोड़ा बहुत हेडलाइंस के तौर पे आप लेना, जितना भी मैंने दिखाया यही था आज के दिन भर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आते हो तो भाई लोगों मैं बोल के थक चुका हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही है, एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक शेयर से हमको कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है नया ब्लॉग बनाने के लिए। और हम जो है इतना मेहनत करके आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचाते हैं, तो हमको भी आप, हम भी ये चाहते हैं कि आप भी हमें मोटिवेट करें। और अगर अच्छा लगता है ब्लॉग तो मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि आप भी सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप भी लाइक करना चाहते हो, बस आप थोड़ा इतना कष्ट नहीं उठाते हो कि ये बटन दबा दूँ। बाकी आप ब्लॉग भी रोज़ देखते ही हो, वीडियो भी रोज़ देखते ही हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमको आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मेरे चैनल पहाड़ तक के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है पहाड़ तक के नाम से, तो आप वहां जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी मैं जो है गांव से रिलेटेड वीडियो अपडेट करता रहता हूं, और लेटेस्ट फ़ोटो जहां हम हैं अभी वहां की भी मैं वहां पोस्ट करता रहता हूं। तो ज़रूर फॉलो करें फेसबुक पेज पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप तक पहाड़ तक टी के पहाड़ से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम में। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं हमारी उनमें आप जुड़ें और सपोर्ट करें, क्योंकि हम आप लोगों तक पहाड़ों से रिलेटिव हर जानकारी पहुँचाने का भरपूर कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको सच्ची और अच्छी जानकारी पहाड़ों से मिले, जो सच्ची बातें हों पहाड़ों से रिलेटिव वही आप तक जाए। क्योंकि एक वीडियो को व्यूअर बढ़ाने के लिए हम आपको झूठी खबरों से अवगत नहीं करा सकते हैं, पहाड़ों में जो हो रहा है और जैसा घट रहा है वही आप तक मेरे ब्लॉग के माध्यम से पहुंचेगा। मैं उसमें, मुझे ऐसे व्यूअर चाहिए ही नहीं जो झूठ पसंद करते हो,
मैं बिल्कुल सत्यता पे आधारित ब्लॉगिंग करता हूँ और जितना मेरे को पता रहता है वही आप लोगों तक भी पहुँचाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा हो ये सब, और अच्छा लगा हो तो क्या करना है, मैंने पहले भी बोल दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़े हो।